आज हम बनाएंगे वाटरमेलन जेली, जो कि बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। और जेली हम बिना कलर, बिना जेलेटिन पाउडर और जेली पाउडर के बनाएंगे। अगर आप बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो एक बार इस जेली को जरूर बनाइए। अक्सर अगर हम जेली बनाते हैं तो जेली पाउडर मार्केट से लेके आते हैं, वो काफ़ी महंगा होता है। तो आज हम बिना जेली पाउडर के ये जेली बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है ये हाफ के जी का वाटरमेलन, जिसको हमने इस तरह काट लिया है। अब हम यहाँ पर एक मिक्सी जार लेंगे और इसको इस तरह इसमें डाल देंगे। तो इसका हमें जूस तैयार करना है, तो इसको हम पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी चीज़ नहीं मिलाई है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से जूस हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम एक छलनी लेंगे और इसको इस तरह छान लेंगे। छानने से क्या होगा, अगर हमको इसका प्योर जूस मिल जाएगा और जिसको इसके बीज होते हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए हमने सारा जूस इस तरह छान लिया है और जो रफली पार्ट हमारा ऊपर रह गया है इसको अलग कर देते हैं। तो अब हम इस जूस को एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, अभी हमने गैस को नहीं जलाया है, तो उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है, ना तो हमें यहाँ कोई कलर मिलाने की ज़रूरत है, ये इतनी बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच शुगर पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर चीनी का पाउडर ही मिलाइएगा। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप उसको मिक्सी में डालकर पीस सकते हैं। इसमें चीनी बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, चीनी का पाउडर ही ऐड कीजिएगा, जिससे कि ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तभी हम इसको गैस पर चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा इसमें चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। यहाँ पर अब हम एक बाउल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखिए घोल हमको बिल्कुल परफेक्ट तैयार करना है, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये मिठाई हम कॉर्नफ्लावर से बना रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लीजिए। पानी ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, जितनी ज़रूरत हो उतना ही ऐड कीजिएगा। तो ये घोल बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। ये मिठाई खाने में बहुत लाजवाब लगती है और घर के सामान से ही आसानी से बन जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं है, ये घोल हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, इस तरह चलाते जाएंगे। तो इसको कंटिन्यूसली हमें नहीं चलाना है, बस इसमें उबाल आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो इसको इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने जो घोल तैयार करके रखा था इसको एक बार चला लेते हैं, जिससे कि जो भी नीचे ये बैठा हो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा इसमें चलाते जाएंगे और इस तरह डालते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है। तो आप इसको देख सकते हैं कितना गाढ़ा होने लगा है ये। तो इसी तरह हम इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ये परफेक्ट नहीं बन जाता। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो आप इसको घोल को देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट हो गया है। अब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरह आप कोई भी कटोरी ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए और इसको इस तरह इसमें फिल कर लीजिए। तो मैंने 3 कटोरी ली है और इसमें हम अच्छे से इनको फिल कर देंगे। अब हम इनको 7 से 8 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो ये हम 7 से 8 घंटे बाद चेक करेंगे। 7 से 8 घंटे हो गए हैं, ये अच्छे से सेट हो गया है। तो हमने इनको ट्रांसफ़र कर लिया है प्लेट में। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये खाने में। ये मिठाई बहुत ही लाजवाब लगती है। एक बार आप वाटरमेलन की ये मिठाई बनाकर जरूर देखिएगा। वाटरमेलन की आपने आइसक्रीम खाई होगी, जूस पिया है, लेकिन एक बार ये मिठाई जरूर बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये मिठाई आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।